कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, तो हमें केल्विन स्केल में टेम्परेचर दिए गए हैं और हमें सॉरी केल्विन स्केल में टेम्परेचर दिए गए हैं और हमें इन्हें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है. तो टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर. अगर आपको केल्विन स्केल में टेम्परेचर दिया गया है और आपको उसे सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है तो आप केल्विन स्केल के टेम्परेचर से 273 डिग्री माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा सेल्सियस स्केल का वैल्यू. तो पहले क्वेश्चन में हमने 300 केल्विन से 273 माइनस कर दिया तो सेल्सियस स्केल में हमें मिलता है 27 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली सेकेंड में केल्विन स्केल में 573 केल्विन है तो उससे हम माइनस करेंगे 273 तो हमें मिलता है 300 डिग्री सेल्सियस. तो इसके लिए आप बस फॉर्मूला याद रखिए कि अगर केल्विन से हमें डिग्री सेल्सियस में जाना है तो हमें माइनस 273 करना पड़ेगा. ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड.